प्रदीपन हिंदी साहित्य के विख्यात रचनाकार हैं। महामहिम उपन्यास, माई गुड निरपेक्ष हूँ, प्राइवेट सेक्टर का व्यंग्यकार जैसे व्यंग्य शंकर, कुत्ते की मौत, आम आदमी का शव, एक से दूसरे जैसे कहानी संग्रह आदि से आप हिंदी साहित्य में अपना स्थान बना लिया है। दुनिया की संस्कृति को एक दूसरे के करीब लाने में यात्रियों का महत्वपूर्ण स्थान है। पूरे दुनिया का इतिहास से हमें ये बात समझ में आएंगे। भारत भ्रमण करने वाले यात्रियों ने ही भारत के बारे में, भारत के बाहर जानकारियां दी थी। इस तरह संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा था। चेरापुंजी से आयाहो नामक यात्रा वृत्तांत में चेरापुंजी के बारे में हमें बता रहा है। चेरापुंजी से आया हूँ फिर भी प्यासा, एक कविता की पंक्तियां हैं। इससे इसका शीर्षक लिया गया है। मेघालय की यात्रा करते हुए वहां के प्राकृतिक सौंदर्य, सामाजिक स्थितियां, मातृप्रधान समाज की विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं, पर्यावरण की विशेषताएं, पर्यटन की विशेषताएं आदि के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। मेघालय यानी बादलों का घर, यही पंक्ति से इस यात्रा वृत्तांत की शुरुआत हो रहा है। मेघालय की राजधानी शिलोंग की ओर से शुरू हो रहे यात्रा चेरापुंजी की ओर है। लेखक बता रहा है, शिलांग का मुख्य बाजार अल्मोड़ा के लाला बाजार से मिलता जुलता है। यात्रा में उनके साथ सैर कर रहे सांगमा और अन्य यात्री मेघालय के बारे में ढेर सारी जानकारी प्रदीपन को दे रहा है। तीन पर्वतीय अंचलों में बांटा हुआ है मेघालय, खासी पर्वत, गारो पर्वत और जयंतिया पर्वत। इन्हीं तीन पर्वतीय अंचलों से बने हैं पांच जिले, पूर्वी खासी पर्वत जिला, पश्चिमी खासी पर्वत जिला, पूर्वी गारो पर्वत जिला, पश्चिमी गारो पर्वत जिला और जयंतिया पर्वत जिला। इसी बीच लेखक को ये सोचना मिल रहा है, मेघालय सरकार बिजली अब बिक रहा है, वो भी पानी से बनाने वाले बिजली। इसका मुख्य कारण ये है, 50% गांवों में ही बिजली अब पहुंच चुके हैं। मातृसत्तात्मक व्यवस्था होने के कारण मेघालय में नारी शोषण की घटनाएं कम ही होते हैं। मातृसत्तात्मक व्यवस्था का पालन नॉर्थ ईस्ट राज्यों में हमें मिलेंगे। मणिपुर की राजधानी इंफाल की घटनाएं भी हमें लेखक बता रहा है। वहां की एक बाजार है माइती बाजार, वहां पूरी गतिविधियां जो है नारी ही कर रही है। इस तरह कहानी आगे बढ़ाते हैं, यानी यात्रा वृत्तांत आगे बढ़ाते हैं। मणिपुर में महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां पुरुष बहु विवाह करता है। ये बहु विवाह कभी कभी स्टेटस सिंबल जैसा हो जाता है, तो ये नारी के लिए
अच्छी बात नहीं है। फिर हमें लेखक ले जाता है नौक्षंगदियांग प्रपात की ओर, और वहां के पास ही बांग्लादेश का दर्शन भी हमें मिलेगा। इस तरह अन्य दर्शनीय स्थानों के बारे में भी लेखक हमें बता रहा है, साथ ही साथ संस्कृति के बारे में और इतिहास के बारे में भी सूचनाएं मिल रहा है। वहां के आदि निवासियों के बारे में, अब रहने वाले लोगों और उनके बीच के रिश्ते के बारे में सब कुछ हमें सूचना दे रहा है। फिर एक महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने लेखक ये प्रस्तुत कर रहा है, भारत में जहां जाओ लोग सब जगह एक से ही है, बोली पहनावे नाक नक्शा में थोड़ा बहुत अंतर तो है, लेकिन मूल में भारतीय एक ही है। संस्कृति की ये परंपरागत अजस्त्र धारा शताब्दियों से बहती चली आ रही है, इसलिए त्योहारों का नाम हमारे देश में अलग अलग है, लेकिन जिस वक्त ये त्योहार मनाया जा रहा है उसमें एक समानता हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमें ले जाता है मासमाई गांव की गुफाओं की ओर। इन पर्यटन क्षेत्रों के बारे में सूचना करते वक्त लेखक ये बता रहा है, वहां की सरकार जो पर्यटन स्थल है वो जैसा हो वैसे ही संरक्षण करने का कोशिश में है। जैसे वो प्रपात के पास तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता सरकार ने नहीं बनाया है, क्योंकि अगर रास्ता बनाएंगे तो वहां धीरे धीरे कोई लोग अपना हिस्सा बना देंगे, फिर आने वालों को वो प्रपात यानी ये गुफाएं देखने का मौका नहीं मिल जाएगा। इस तरह सैर करते करते अभी लेखक वापस चलता है, चलने का वक्त आ गया है। तो अंत में भी एक राय लेखक प्रस्तुत किया है, संगीत और शोर में अंतर है, प्रकृति का संगीत और नहर का और शहर का शोर में जो अंतर होता है उसको हमारे सामने लेकर प्रस्तुत किया है। शहर में लोगों को अपनी पहचान नहीं मिल रहा है, अपनी पहचान गंवा बैठने वाले लोगों के पास अपना कहने के लिए बस केवल अपना नाम ही है। धरती और आकाश से, प्रकृति और उसके आश्चर्यों से उनका संपर्क मानो भंग हो गया है। इस तरह यात्रा वृत्त लिखने का एक अनूठा तरीका हमारे सामने लेखक ने प्रस्तुत किया है, यही इस यात्रा वृतांत की विशेषता है।